नमस्कार दोस्तों, कभी आपने इस योजना का जो है फ़ायदा नहीं उठाया है तो आप अभी ले सकते हैं इस योजना का लाभ। तो चलिए जान लेते हैं कि ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम जो है PMG लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हो। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब किसानों की है, इसलिए सरकार हर साल किसानों के लिए नई नई योजना शुरू करती है। आज हम बात कर रहे हैं PM किसान खाद योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को खाद खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपये जो है प्रदान करती है, जिसे 2500-2500 के दो किस्तों में किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप भी जो है 5,000 रुपये लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आज भी देश में बहुत से किसान ऐसे हैं जो पैसों की कमी के कारण अपने फसल में भरपूर मात्रा में जो है खाद नहीं डाल पाते हैं, जिससे कि पैदावार कम हो जाती है। इसलिए सरकार किसानों को खाद खरीदने के लिए जो है खरीफ फसल में 2500 रुपये एवं रबी फसल में 2500 रुपये प्रदान करती है। मगर कई किसानों को इस योजना में आवेदन कैसे करते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जिससे सरकार के इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं किसान, इसलिए सरकार ने वेबसाइट जो है शुरू की है ताकि सभी किसान घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी घर बैठकर जो है आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो खाद के लिए किसानों को 5,000 रुपये कम मिलेंगे। PM किसान खाद योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको जो है PM किसान खाद योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जो उन्होंने बनाई है उस पर जो है सेलेक्ट करना होगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक में जाने के बाद केंद्र सरकार की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आपको कई ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर चुनना है। इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहला वाले जो फार्मर्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर सभी राज्यों का जो है लिस्ट खुलेगा, जिसमें अपने राज्य को खोजकर सेलेक्ट करना है। राज्य को चुनने के बाद नीचे की तरफ जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें पूछे गए सभी जानकारी भरने हैं, जैसे नाम, पता, खाता नंबर, आधार नंबर, जो है पर्ची नंबर वगैरह। फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरने के बाद सबमिट कर देना है। इस प्रकार जो है आप PM किसान खाद योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो जो है PM किसान खाद योजना में आवश्यक दस्तावेज जो लगेंगे आपके, आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड कभी आपके पास है तो वो तो लगेगा ही, ज़मीन का पर्ची या जो है भाई ठीक है कि बैंक खाता, पासबुक जिसमें आधार कार्ड लिंक हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों ये यहाँ पर देखिए आप, ये देख सकते हैं, या फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिएगा ठीक है, dbtbharat.government.in। तो जो है PM खाद्य योजना में 500 रुपये प्राप्त करने के लिए सरकार की वेबसाइट जैसे कि आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमो दे देता हूँ, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट खुल चुकी है, अपन ने जो वेबसाइट खोल ली है, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो देखिए यहाँ पे दूसरा पेज जो ओपन हो गया, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिख रही हैं आपको। आपको जो 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको कहाँ पे जो है जाना है, तो आपको जाना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ठीक है, फार्मर्स पे। जैसे आप फार्मर्स पे मूव करते हैं, जैसे आप फार्मर्स को खोलते हैं तो दूसरा पेज जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ स्कीम्स वगैरह आ जाएंगी जो किसान से रिलेटेड है, तो आप ये जो स्कीम्स हैं इनका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन को जो है खाद रिलेटेड स्कीम देखनी है, तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जो है खाद रिलेटेड स्कीम दिख रही है, फर्टिलाइजेशन सब्सिडी स्कीम। तो इसको आपको जो है कर लेना है क्लिक ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल लिंक का, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ कंटिन्यू कर देना है आपको। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन की उस पर चल जाएंगे दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पूरी टर्म्स कंडीशन वगैरह पढ़ लेना दोस्तों ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप जाकर सेलेक्ट करके
जो है सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।